झुंझुनू में एलआईसी अभिकर्ता कई मांगों को लेकर तीसरे दिन भी हड़ताल पर है। अभिकर्ताओं का कार्यालय में धरने पर बैठे रहे। हड़ताल पर जाने से शाखा में कामकाज ठप रहा। बता दें कि धरना शुक्रवार तक जारी रहेगा। इस दौरान अभिकर्ताओं ने किसी भी तरह की नई पॉलिसी नहीं कराने के साथ ही किसी भी पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम जमा कराने पर रोक लगाई है। यूनियन के झुंझुनू शाखा अध्यक्ष राजकुमार ढाका ने कहा कि एलआईसी को आमजन तक पहुँचाने में अभिकर्ताओं का अहम योगदान रहा है, लेकिन प्रबंधन अब तक मांगों पर समुचित ध्यान नहीं दे रही है। इससे अभिकर्ताओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और यही कारण है कि रोष देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द समाधान करें, नहीं तो आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा जाएगा। आज हमारी 4 दिन से ये हमारा हड़ताल है, आज की, कल की और 14 तारीख तक। हमारी मांग है कि पार्टी जो हम पॉलिसी धारक हैं जिनकी भी मांग करते हैं एजेंट, उनका बोनस बढ़ाया जाए और उनका ही जो अपने जो ब्याज देते हैं लोन लेते हैं उनका लोन की दर बढ़ा दी गई उनको घटा दिया जाए। तीसरी हमारी मांग यह है कि एजेंटों का आज तक 75 वर्ष तक ग्रेजुएटी बढ़ाई नहीं गई है, हमारी ग्रेजुएटी बढ़ा दी जाए। इसके साथ ही टर्मिनेट एजेंटों का दायरा बढ़ाया जाए और कमीशन पर जीएसटी लग रहा है वह घटाया जाए, पार्टी के प्रीमियम पर जीएसटी लग रही है वह घटाई जाए। ये मांग लेकर हम आज हड़ताल पर बैठे हैं 4 रोज के लिए।